लाइक like विनर ये सेशन लिखने के बारे में ऑनलाइन असाइनमेंट्स के बारे में भी है लेकिन ये एक जनरल एटीट्यूड के बारे में भी है क्योंकि बहुत दफ़ा ये होता है कि हमें स्किल्स तो आ चुके होते हैं किसी चीज़ के लेकिन आप अपने एटीट्यूड या अपने एरगेंस या अपने आप को खुद ही अपने इन रवैयों से होल्ड बैक करते हैं और अपने फेलियर के लिए हम खुद ही जिम्मेदार बन जाते हैं तो इसलिए आपको कुछ सेशन में हम थोड़ी सी टिप्स देंगे कि, कि किस एटीट्यूड के साथ आपको डिजिटल मार्केट प्लेस को या किसी और भी चीज़ को अप्रोच करना चाहिए तो इसमें जो आपके लिए कुछ मैंने पॉइंट्स तैयार किए हैं ये किताबों का पढ़ने का मुझे भी शौक है और मैं आपको भी इसी का बहुत इंक्रेज करूँगी दी आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी ये किताब है इट्स नॉट अबाउट राइटिंग लेकिन ये एक जनरल एटीट्यूड और चीज़ों को इम्कान की निगाह से देखने के बारे में एक किताब है और उसमें बहुत अच्छी आ, बहुत सारी टिप्स और एक्सरसाइज और बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन इसमें है सो आई वुड लाइक कि आप इसको किताब को भी पढ़ें लेकिन नहीं भी पढ़ते तो जो मैं आपको टिप्स देने लगी हूँ उससे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं सो फॉर एग्ज़ाम्पल पहली चीज़ उसमें उन्होंने ये कही है थिंक लाइक अ कॉन्ट्रीब्यूटर यानी आप ये ना सोचें कि आपने आप ले रहे क्या हैं और आपने अभी तक क्या इकट्ठा किया है और एक्यूमिलेट क्या किया है या बैंक बैलेंस कितना बनाया है आप ये सोचें कि आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है और उससे आप अपनी अचीवमेंट को मेजर करें तो ये एक ये सारी आपस में लिंक्ड हैं एक्चुअली पॉइंट्स तो बजाय इसके कि आप ये देखें कि आपने पैसे कितने कमाए हैं बड़ा आप ये देखें अच्छा मैंने एक लाइफ स्टाइल ब्लॉग में आ, पाकिस्तान की बारे में एक ट्रैवल की इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ के या सिंध के किसी सहरा में ट्रैवल या कैंपिंग के बारे में वो इन्फॉर्मेशन दी जो दुनिया में किसी को नहीं पता लगनी थी अगर मैंने वो ब्लॉग नहीं लिखना था सो थिंक ऑफ येल्फ एज़ अ कॉन्ट्रीब्यूटर उसमें फिर आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट डिफरेंट तरह की चीज़ों से फ़ील होगा बजाय इसके कि एक्विजिशन से या चीज़ें अगर ठीक करके दूसरी चीज़ ये स्टे विथ योर ऑथेंटिक एंड नॉट योर कैलकुलेटिंग सेल्फ कैलकुलेटिंग सेल्फ़ हमारा वो होता है जैसे वो उसमें बनती है ना अकाउंट्स में बैलेंस शीट बनती है तो कैलकुलेटिंग सेल्फ जो है वो यही करता रहता है कि वो बैलेंस शीट बनाता रहता है उसने मुझे बर्थडे पे तोहफा दिया था तो मैं भी उसको दूंगी उसने मुझे पाँच सौ का दिया था तो मैं भी पाँच सौ ही को दूंगी दैट इज़ द कैलकुलेटिंग सेल्फ और वो हमेशा अपने आप को नुकसान में ही महसूस कर रहा होता है और वो हमेशा उसको ये लग रहा होता है उसी के साथ कोई ज़्यादी हो रही है तो वो जेनरसली uh, लाइफ नहीं जीता और जेनरसली कोई भी काम नहीं करता इसकी रेलिवेंस आपके इस काम से यूँ बनती है कि जब आप आ, अपने ऑथेंटिक सेल्फ़ में हो आपको कोई बड़ा अच्छा लिखना आता है या आपने सीखा है कि भाई कैसे लिखा जा सकता है रिसर्च कैसे करें लिखें एडिट करें आउटलाइंस पहले बनाएं और लेकिन आपके अच्छा आ, ये जो है ना एम्प्लॉयर मुझे कम पैसे दे रहा है तो फिर मैं इसके लिए ऐसे वैसा सा काम कर दूँ या अब तो मेरा नाम बन गया है और मेरा प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो गया है तो मैं जो हूँ अब मैं आई कैन गेट अवे विद इट तो मैं थोड़ा सा टाइम देखिए मैं ज़्यादा से पैसे भी कमा सकता हूँ क्योंकि मेरी प्रोफाइल अभी अच्छी हो गई है एक तो ये कि ऐसे अगर आप कर शॉर्ट चेंज करेंगे अपने एम्प्लॉयर को तो आपकी प्रोफाइल और आपकी रिव्यूज़ जो लोग आपको देते हैं स्टार्स देते हैं कि इस शख्स ने इतना अच्छा काम किया वो भी ख़राब होना शुरू हो जाएंगे और आपका अपना लुत्फ और जो आपकी सेटिसफेक्शन है काम से वो भी नीचे चली जाएगी तो काम आपका बिल्कुल काम और वो एक बगैर लुत्फ़ की एक ड्राई सी एक्टिविटी बन के रह जाएगा सो बी विथ योर ऑथेंटिक सेल्फ आपका जो असल सेल्फ है जिसके ऊपर ये सारी लेयर्स चढ़ जाती हैं दुनिया की वजह से कि आप हर वक्त हिसाब किताब करते रहते हैं और हर वक्त सोचते रहते हैं कि ये मेरे साथ ये ना हो जाए वो ना हो जाए सो थिंक विद अ जेनरस फ्रेम ऑफ़ माइंड विद एन ओपन फ्रेम ऑफ माइंड कि आप अपने एम्प्लॉयर के लिए या जो ऑडियंस आपके लिखे को पड़ेगी उनको आप क्या दे सकते हैं वही कॉन्ट्रीब्यूटर होने से ही दिस इज़ ऑलसो रिलेटेड अगेन मेजरमेंट गेम वर्सेस द पॉसिबिलिटी गेम मेजर जब आप करते हैं तो आपको हमेशा लगता है कि आप खसारे में लेकिन अगर आप ये देखें कि तो पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं मेजरमेंट में आप पास्ट में रहते हैं पॉसिबिलिटीज़ को जब आप देखते हैं तो आप फ्यूचर को देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है या आप क्या क्या कर सकते हैं दैट्स ऑलवेज़ अ मोर ऑप्टोमिस्टिक एटीट्यूड और मेजरमेंट के फ्रेम ऑफ माइंड में अगर आप रहेंगे तो आप नेगेटिव रहेंगे आप फियर के साथ ऑपरेट करेंगे कि मेरे साथ ये ना हो जाए और आप कुछ बुरा ही सोचते रहेंगे तो अपने आप को लाइक कंसिडर दैट दिस इज़ पॉसिबल यू कैन बी एन ऑनलाइन राइटर यू कैन गेट सक्सेस दिस वे यू कैन सेट अप योर ओन ब्लॉग इफ दैट्स वॉट यू वॉन्ट टू डू और राइट योर ओन बुक और ये पॉसिबल है सो दैट्स वट दिस बुक इज़ ऑल अबाउट एंड दैट्स वॉट आई वॉन्ट टू ब्रिंग टू यू एज़ वेल उसके अलावा रूल नंबर सिक्स इसमें उन्होंने एक दिया है और इसको उन्होंने रूल नंबर सिक्स ऐसे ही कहा है देर इज़ नो रूल वन टू थ्री फोर फाइव बस एक रूल नंबर सिक्स है और रूल नंबर सिक्स ये डोंट टेक योर सेल्फ टू सीरियसली इसका आपके काम से ये ताल्लुक़ है कि अगर आपका आ, जो आप कोशिश कर रहे हैं आप पिच कर रहे हैं आपको अगर इमीडिएटली सक्सेस नहीं मिल रही तो आप हर्ट ना हो आप ये अपनी ईगो का उसको मसला ना बनाएं डोंट टेक योर सेल्फ टू सीरियसली आप अभी शुरू कर रहे हैं आपकी बिगिनिंग है और किसी भी वक्त ये हो सकता है कि आपको रिजेक्शन मिल जाए तो ऐसी कोई बात नहीं है डोंट टेक इट टू हार्ट और उसके अलावा ये है कि लिखने का काम जैसे बहुत से काम हैं उसमें रेकमेंड किया जाता है कि आप मिल करें या किसी को आप अपनी टीम में रखें जिसको कि आप फीडबैक के लिए रखें जिसको आप ट्रस्ट करते हैं और जो काम को भी जानता है मैंने अभी रिसेंटली एक स्क्रिप्ट uh, राइटिंग का स्क्रीन के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग का कोर्स लिया था जिसमें कोई हमारा एक्चुअल जो वर्कशॉप का ट्रेनिंग का टाइम था वो आठ से दस घंटे था टोटल जिसमें कि हम एक दूसरे से गपशप भी करते थे ट्रेनर हमें कुछ बताते थे उसमें हमने आठ से दस घंटे के में हर शख्स ने एक स्क्रिप्ट वो लिखी जो एक साइलेंट मूवी की सिर्फ उसमें कुछ होता हुआ दिखाया जा रहा होगा और एक स्क्रिप्ट लिखी शॉर्ट फिल्म की पाँच मिनट की जिसमें के दो लोगों के दरमियान कोई मुकालमा होगा तो दो छोटी फिल्म्स की स्क्रिप्ट हमने उस आठ दस घंटे में क्योंकि हम इकट्ठे काम कर रहे थे तो इकट्ठे काम करने के लिए भी ये ज़रूरी है कि आप इस फिक्र में ना रहें कि ओ आई वॉन्ट टू आउटशाइन एवरी मुझे सबसे अच्छा होना है या मुझे किसी ने क्रिटिक कर दिया तो क्या होगा और अगर आप इस तरह अपने आप को इतना सीरियसली लेंगे तो आप इस काबिल नहीं रहेंगे कि कोई आपके साथ काम करे या आप किसी के साथ काम करें या फीडबैक लें और यह ज़रूरी है कोई भी काम अच्छा करने के लिए आप कितने भी एक्सपर्ट हो सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि डोंट टेक योर सेल्फ सीरियसली मैंने हार्वर्ड uh, यूनिवर्सिटी से पढ़ा था मैं uh, मेरा ख्याल था कि अब तो मैं पाकिस्तान वापस आऊँगी तो पूरी दुनिया के और पूरी जॉब्स के दरवाजे मेरे लिए खुले होंगे बीच में बिटवीन वन जॉब एंड द नेक्स्ट मेरे पास छः महीने का गैप था जहाँ किसी एम्प्लॉयर ने मेरी किसी चीज़ का जवाब नहीं दिया तो दैट हैपन्स इसका किसी चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है कि आप में कोई कमी है कितनी भी आपकी एजुकेशन हो क्वालिफ़िकेशन काबिलियत हो तो, कई दफ़ा एक टाइम होता है यूनिवर्स अपना टाइम लेता है और उसके बाद दरवाजे खुलते हैं सो हैंग इन देर एंड ट्राई टू कीप दिस थिंग्स इन माइंड इन लाइफ एंड इन राइटिंग